हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैमोमाइल टी के बारे में। शायद आप में से सभी लोग इस हर्बल टी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताऊंगी। इस टी को पीने के, इस चाय को पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप सभी शायद जानते होंगे कि पीने जाने वाले हर्बल यानी हेल्दी चाय में से कैमोमाइल टी बहुत ही हेल्दी चाय है। बहुत स्वास्थ्य के लिए ये चाय बहुत ही अच्छा है। ये हर्बल टी में से ये चाय काफ़ी लोगों को बहुत प्रिय है। बहुत लोग आजकल इसे पीने भी लगे हैं। पहले मैं ये बताऊंगी कैमोमाइल टी को कैसे बनाया जाता है। तो कैमोमाइल टी बनाने के लिए पहले जो कैमोमाइल फूल होते हैं यानी फ्लावर होते हैं, उनको पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको चाय पत्ती की तरह आप इसको गर्म पानी में भिगो कर रखने 3 मिनट तक आपको इसे भिगो कर रखना है। उसके बाद आप इसको छान ले। छानने के बाद आप इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसको पी ले। ये चाय सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचाए रख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को शरीर से दूर रख सकते हैं। इसके रोज़ाना सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। कैमोमाइल टी में कैफीन नहीं होता और इसका फ्लेवर हल्का मीठा होता है। कैमोमाइल टी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाए रखता है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या हृदय रोग है, उनके लिए ये चाय बहुत ही फायदेमंद है। ये दिल और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं कैमोमाइल टी पीने के और क्या क्या फ़ायदे हैं और रोज़ाना इसका सेवन करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है। कैमोमाइल फूल यानी फ्लावर है। कैमोमाइल टी में कैफीन एकदम होता ही नहीं है, इसलिए ये एक हेल्दी चाय है, एक स्वास्थ्य चाय में से ये एक अच्छी चाय है। इसका सेवन आप रोज़ाना 2 या 3 कप कर सकते हैं। इसके सेवन से और भी बहुत सारे फायदे हैं। चाय पीने से आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी हजम शक्ति बहुत अच्छी होती है और पाचन क्रिया हमेशा स्वस्थ रहती है। जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आने की बीमारी है, जैसे अगर वो लोग सोने से पहले इस चाय को पिए रोज़ाना, तो फिर उन लोगों को अच्छी नींद आने लगती है। बीमारी है यानी डायबिटीज़ है, ये चाय रोज़ाना पीने से उन लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है और शुगर की लेवल बिल्कुल ठीक रहती है। ये चाय हमारी पैनक्रियास को बहुत अच्छी रखती है और इसमें इंसुलिन की मात्रा को भी बनाए रखती है, इसलिए हमारी शुगर लेवल बहुत अच्छी रहती है। ये चाय पीने से हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी हार्ट यानी दिल या हृदय कुछ भी बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है और हमेशा हमारे दिल को जवा रखती है। ये चाय पीने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कैंसर। ये चाय पीने से आपको कैंसर की बीमारियों से बचाता है, कैंसर की बीमारियों को दूर रखता है। ये कैमोमाइल टी पीने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन फायदों के बारे में, जैसे पाचन शक्ति, नींद आना, शुगर लेवल को नियंत्रित रखना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और हृदय के रोग को अच्छा करना, हार्ट को ठीक रखना, उन सब के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी से डिटेल में बात करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, प्लीज़ आप ये चाय आज से ही पीना शुरू कर दें, क्योंकि आपके शरीर के लिए ये चाय बहुत ही अच्छी और हेल्दी है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू।